नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूँ आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। लूट की घटना को अंजाम दिए जाने वाले गिरोह का हुआ उद्भेदन, 6 अपराधी गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डुमरी निमिया घाट रंगामाटी में सड़क दुर्घटना में 2 महिलाओं की हुई दर्दनाक मौत, 1 घायल, खलासी गिरफ्तार, ट्रक चालक हुआ फरार। समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस के मौके पर बीजेपी द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत चलाया गया सफाई अभियान, टावर चौक से कालीबाड़ी तक चलाया गया सफाई अभियान। और अब खबरें विस्तार से। लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। जिले के सरिया, बिरनी, जमुआ क्षेत्रों में लगातार हो रही लूट की घटना को अंजाम दिए जाने वाले गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया है। शनिवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा सरिया, बगोदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार महतो के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को फिर बिरनी थाना क्षेत्र के डबरसैनी पहाड़ी के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं गठित टीम के द्वारा छापेमारी शुरू कर दी गई। इस दौरान शुक्रवार रात धनवार पुलिस की चेकिंग से बचकर भागने के क्रम में बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के आगे झांझर पुल के पास 2 बाइक में सवार 4 अपराधियों को पकड़ लिया गया। अपराधियों के पास से देसी कट्टा व 3 गोली बरामद किया गया है। वही लूटा गया पैसा, चेकबुक भी बरामद हो गया है। एसपी श्री रेणु ने बताया कि लूट में प्रयोग किया गया बिना नंबर का सफेद रंग का अपाची मोटरसाइकिल, बिना नंबर का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक नया अपाची मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पूछताछ में अपराधियों ने अपने स्वीकार बयान में सरिया, बिरनी, कोडरमा जिले के नवलसाही थाना क्षेत्र में लूट पांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। विगत कुछ दिनों से सरिया, बिरनी, जमुआ और निकटवर्ती जो थाना क्षेत्र हैं इसमें लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई बार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि सीएससी एजेंट्स जो पैसा जमा करने बैंक में जाते हैं या सर्विस सेंटर पे जाते हैं या कभी किसी अन्य पब्लिक से सुनसान इलाकों में कई बार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पिछले 2 या 3 महीने में अगर बात करें तो करीबन 3 से 4 कांड ऐसे हो चुके हैं जिसके पीछे कुछ लोगों का हाथ संभवतः प्रतीत हो रहा था, एक गिरोह का हाथ प्रतीत हो रहा था। इसमें छानबीन की गई है, एक विशेष टीम की गठन की गई थी बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें आसपास के जो भी थाना प्रभारी हैं जमुआ के, सरिया के, बिरनी के, इनको मेंबर बनाया गया था। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हमेशा विजिलेंट एक निगाह रखा गया कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य मिले हैं इनके ऊपर, इसके बेसिस पे इनके ऊपर निगाह रखा गया और अंततः इन्होंने सफलता हासिल की है, जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इन सारे घटनाओं को जिनके द्वारा अंजाम दिया गया है एक के बाद एक। तो इनसे अभी फिलहाल करीबन 4 घटनाओं का हमारे पास खुलासा हो रहा है। बिरनी थाना कांड संख्या 223-20, सरिया थाना कांड संख्या 210-20, बिरनी थाना कांड संख्या 197-20 एवं एक अन्य कांड जो कि कोडरमा से संबंधित है, नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20, इनका खुलासा किया गया है। इन्होंने अपने संलिप्तता अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि इन सारी घटनाओं का अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। इन घटनाओं को करने के बाद जो राशि इन्होंने छीना है लोगों से, हथियार के बल पे छीना था, हथियार बरामद किया गया है और उसके साथ 3 एम्यूनिशंस जो लाइव एम्यूनिशंस हैं वो बरामद की गई हैं। घटना में लूटी गई राशि का कुछ अंश करीबन 26,640 रुपये बरामद किए गए हैं। जो मोबाइल लूटा गया था एक कांड में नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20 में, वो बरामद हुआ है।
एवं इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। कुल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें नवलशाही, जमुआ, धनवार, सरिया, जमुआ के लोग हैं। इनका नाम निम्नवत है: अभिनव राय, बबलू यादव, रंजीत यादव, लालजीत कुमार, बाबूलाल यादव एवं रवि यादव। पुलिस टीम के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई चुकी की गई है और सभी को अरेस्ट किया गया है। समय रहते इन सारी घटनाओं को रोक लगाने के लिए इनके द्वारा जो कार्य की गई है, उसकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अपनी टीम से आशा रखता हूं कि आगे भी ऐसे ही काम करें। निम्याघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी NS2 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। निम्याघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी NS2 के पास शनिवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाकर यातायात सामान्य करवाया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई और आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई, साथ ही ट्रक के खलासी को हिरासत में ले लिया, जबकि ट्रक चालक फरार हो गया। इस संबंध में बताया जाता है कि कुलगो निवासी सुरेश महतो अपने 2 भाभियों के साथ बाइक से तोपचाची जा रहे थे, तभी निम्याघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी NS2 के पास ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दोनों महिलाओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक चालक का प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने एवं दोषी वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया था। समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड एवं राशन वितरण से संबंधित समीक्षा की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। समाहरणालय के सभाकक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जाना है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड एवं राशन वितरण से संबंधित समीक्षा की गई, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सिक्योरिटी एक्ट के तर्ज पर झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से सभी गैर अनाच्छादित NFSA के लोगों को ग्रीन राशन कार्ड दिए जाने का निर्णय झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया। आप सभी अवगत हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के पश्चात सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के 86% तथा शहरी क्षेत्रों के 69% लाभों को NFSA एक्ट के तहत लाभ दिया जा रहा था। इसमें या उनका गुलाबी कार्ड बनाया जाता था या फिर पीला कार्ड बनाया जाता था, जो कि अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उनको प्राप्त कराया था, और प्रति व्यक्ति 5 किलो की राशन गुलाबी राशन कार्ड वालों को और 35 किलो सभी पीले कार्ड वालों को उपलब्ध कराया जाता है। जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी आबादी बढ़ने के साथ साथ और भी बेनिफिशरीज़ के ऐड होने की संभावना बढ़ती गई, लेकिन चूंकि हम लोग सभी जिले सैचुरेशन मोड में चले गए थे, इस वजह से नए लाभार्थियों को तभी जोड़ा जा रहा था अगर पुराने लाभार्थी को सूची से हटाया जाता था, चाहे उनके राशन कार्ड डॉर्मेंट हो जाने की वजह से हो, चाहे उनके अयोग्यता की वजह से हो या फिर किसी और वजह से, अर्थात अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती थी उसी 86% और 69% में, तो उसी के अगेंस्ट नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को जोड़ा जाता था। लेकिन चूंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो चुकी थी, इसीलिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हरेक ज़िले को एक रिक्ति उपलब्ध कराई गई है और उस रिक्ति के अगेंस्ट हम लोग नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को ऐड कर सकते हैं। इसमें गिरिडीह जिले में 1,11,198 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और इसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया आज से प्रारंभ करने का भी निर्देश है।
17 तारीख को एक प्रेस रिलीज इस संदर्भ में निकाला गया था जिसमें कि समुचित टाइमलाइन का मेंशनिंग है। कल विश्वकर्मा पूजा की वजह से चूँकि अखबार नहीं आ पाया था, इस वजह से आज वह प्रेस रिलीज सभी अखबारों में आया भी है। उसमें यही है कि 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया जाना है, उसके पहले तक लाभुकों का आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करा लिया जाना। तो सभी लाभुक अपने अपने आवेदन को ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। 3 पेज का एक आवेदन है, इसमें मेनली हर एक लाभुक को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आवेदन देना था। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसे सभी लोग जो कि किसी भी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है या जिनके पास पक्का मकान है आदि पैमानों पर जो खरा उतरते हैं वह सब इस माध्यम में एक्सक्लूडेड रहेंगे। और जो लोग इसमें नहीं हैं और ख़ासतौर पर वह परित्यक्ता हैं, विधवा हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से उनका इलाज चल रहा है या फिर वह स्ट्रीट हॉकर हैं, वेंडर हैं या भिखारी हैं या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे हैं तो वह सब इंक्लूजन के मानक हैं। इस आलोक में लोग अपना आवेदन भरकर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या किसी भी पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। राजदरबार थाना क्षेत्र के डलवा टांग निवासी मोहम्मद मकसूद आलम के साथ अपराधियों ने डलवा मोड़ के पास बंदूक का भय दिखाकर लूटपाट की, साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इन दिनों राजदरबार थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है, जिसकी बानगी शुक्रवार शाम को देखने को मिली। राजदरबार थाना क्षेत्र डरवा टांग के निवासी मोहम्मद मकसूद आलम अपनी मां रुबीना खातून के साथ खोरी महुआ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 30,000 नगद निकालकर वापस अपने घर जा रहे थे, तभी लगभग 8 बजे घात लगाकर बैठे 6 अपराधियों ने डलवा मोड़ के पास गाड़ी रुकवाकर मोहम्मद मकसूद के गर्दन पर राइफल सटाकर 30,000 लूट लिए और उसकी माँ रुबीना खातून के जेवर लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस दौरान पीछे से आ रहे राहगीरों की गाड़ी की लाइट को देखते हुए भुक्तभोगी को छोड़कर अपराधी फरार हो गए। इस दौरान रुबीना खातून ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अपराधियों को लोग नहीं पकड़ पाए। इधर घटना की जानकारी राजधनवार पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस अपराधियों की जाँच पड़ताल में जुट गई है। रोड से वार किया तो अब रुक, मम्मी गिर गई, हम रुक गए। उसके बाद हेलमेट में वार किया, पूरा हेलमेट पहना था, हेलमेट टूट गया। उसके बाद ताना घिची में हेलमेट निकल गया सर से। उसके बाद रोड से वार किया, हम गिर गए, फिर उठे, फिर समझे और हम भी मारे हम लोग को। इसी बीच में राइफल निकाला, राइफल से वार करने की कोशिश किया, मतलब तक हम राइफल पकड़ लिए, छीन लिए, वही तोड़ सब में फिर राइफल से मेरा मुँह मार दिया, राइफल घुसा। उसके बाद वो लोग पीछे से बाइक आ रहा था, वो बाइक का लाइट देखा, उसके बाद वो लोग भागना शुरू कर दिया। तो जो बाइक वाला था वो रुक गया, अम्मी चिल्लाने लगी, मेरी मम्मी, बाइक वाला रुका, वो लोग पहचान लिया कि हमारा गांव का आदमी है, वो चिल्लाने लगा। उसी के दरमियान में वो लोग भाग गया और हम लोग उसको पहचाना, 4 आदमी था, उन लोग को पहचान लिए, 2 लोग को नहीं पहचान सके सर। कौन कौन लोग था जिसको पहचान? मोहम्मद आसिम मियाँ है और एक मोहम्मद परवेज, मोहम्मद साहिद और मोहम्मद मुख्तार, ये 4 लोगों को हम पहचान लिए। सब मुँह बांधे हुए थे, टोटल 6 लोग थे, 4 लोग को पहचाने, 2 लोग दूर खड़े थे सर। 20,000 रुपया मेरा था बैंक से निकाले थे, 10,000 मेरे पॉकेट में था सर। टोटल 30,000 रुपया था, वो निकाल लिया। मम्मी के गला में जेवर था वो निकाल लिया, कान में था रिंग वो निकाल लिया। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री के 17वें जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। शनिवार को इसी सेवा सप्ताह को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और मेयर सुनील पासवान के नेतृत्व में शनिवार को शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नटराज चौक से कालीबाड़ी चौक तक सड़कों पर झाड़ू लगाया और साफ सफाई की। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ नेता चुन्नू कांत,
संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगेश, नवीन सिन्हा, सिंकू सिन्हा, रागिनी लहरी, हरमिंदर सिंह बग्घा, हबलू गुप्ता, सुरेश गुप्ता सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जन्म दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में हम लोग गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के परिवार सब एकजुट होकर के मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से चालू था और आज 19 सितंबर को है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने गिरिडीह शहर के अम्बेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक स्वच्छता का माहौल बना हुआ है, उसमें हम लोग सब मिलजुल करके अपने अपने घरों को साफ सुथरा रख करके इस तरह से अभियान कंटिन्यू करें, अपने अपने घरों को साफ सफाई रखें। हम लोग को आज इस देश के यशस्वी प्रधान के जन्म दिवस के अवसर पर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग लगातार शहर की साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं, सब आप अपने अपने घरों के साफ सफाई में लगे रहें और साफ स्वच्छ रखें, चाहे ताकि हमारा ये शहर को कोविड 19 से हमेशा सुरक्षित रहे, बचा रहे और इस पूरा देश हमारा इस वैश्विक महामारी से बचा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस के मौके पर हम लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार। और सेवा सप्ताह के छठे दिन आज हम लोगों ने स्वच्छता अभियान, जिसको पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री ने एक नई पहचान दी कि भाई आदमी साफ सुथरा रहेगा तभी स्वस्थ रहेगा, उन्होंने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया। और भारतीय जनता पार्टी राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं करती है, सेवा के भाव से करती है, ये आप भी देख रहे हैं। और इस मौके पर हम विशेष रूप से अपने मेयर भाई सुनील पासवान जी और उनके पूरे टीम को हम बधाई देना चाहते हैं। अभी टावर चौक से यहाँ तक हम लोग आए हैं और ये प्रसन्नता हो रही है कि शहर साफ है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है, क्योंकि उसके भीतर सेवा भाव है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे सेवा सप्ताह में हम लोग को क्या क्या करना है, बहुत सारे कार्यक्रम है। उनका 70वां जन्मदिन है तो 70 से ज़्यादा कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है, जिसमें रक्तदान करना है, फल वितरण करना है, साफ सफाई करना है, किसानों को सम्मानित करना है, दिव्यांगों को सम्मानित करना है और ये तमाम कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, आगे भी चलेगा। और 2 अक्टूबर तक हम तो कहेंगे कि 2 अक्टूबर ही नहीं, आजीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा भाव का जो व्रत है उनके अंदर ये चलता रहेगा, ये मिसाल। देवरी के गम्हाड़ी के एक शिव भक्त नंद किशोर प्रसाद सिंह ने समस्त समाज के कल्याण के लिए सुल्तानगंज के लिए दंडवत यात्रा शुरू की थी, जो 18 सितंबर को समाप्त हुई। दंडवत यात्रा को पूरा करने में उन्हें 3 महीने का समय लगा। देवरी के गम्हाड़ी के एक शिव भक्त नंद किशोर प्रसाद सिंह समस्त समाज कल्याण के लिए बीते 23 जून 2020 को अपने निवास स्थान गम्हाड़ी से सुल्तानगंज के लिए दंडवत यात्रा शुरू की है। इस संबंध में उनके भतीजे मुरारी प्रसाद सिंह ने बताया कि उनके चाचा अपने निवास स्थान गम्हाड़ी से दंड देते हुए सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किए और सुल्तानगंज से पुनः दंड देते हुए देवघर और बासुकीनाथ की यात्रा 18 सितंबर 2020 को पूरी की और बाबा बासुकीनाथ में पूजा अर्चना कर पुनः सुल्तानगंज से कांवड़ जल उठाकर देवघर और बासुकीनाथ होते हुए चतरो के लकड़गड़ा बाबा दुकेश्वरनाथ पहुंचकर यात्रा तोड़ने की बात कही। इस दंड यात्रा को पूरा करने में लगभग 3 महीने का समय लगा। उनके भव्य स्वागत के लिए गम्हाड़ी में क्षेत्रीय लोगों द्वारा 24 घंटे का अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। जय भोलेनाथ। हमारे चाचा नंद किशोर प्रसाद सिंह विगत 23 जून को दंड देते हुए घर से निकले सुल्तानगंज के लिए, सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से बासुकीनाथ, बासुकीनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की, तदुपरांत वे कांवड़ जल लेकर के पुनः देवघर बासुकीनाथ होते हुए बाबा लकड़गढ़ा चतरो पहुँचेंगे। तदुपरांत उनके स्वागत में गम्हाड़ी गांव में अखंड संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा में कुल
300 किलोमीटर दंड यात्रा उन्होंने की और लगभग 110 दिन लगने की संभावना है। झरना मैदान में पारा शिक्षक संघ की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर चर्चा की गई। पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत हुई। इस बैठक में सरकार के रवैये के खिलाफ फिर से आंदोलन करने को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर सरकार 15 नवंबर तक हमारी मांगे मान ले तो ठीक है, वरना 15 नवंबर से हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और जिला प्रशासन को होगी। 15 नवंबर से हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने को लेकर विवश करेंगे। मोर्चा की बैठक गिरिडीह में हो रही है। मुख्य तौर पर बैठक का उद्देश्य है कि जब यह सरकार का गठन हो रहा था उसके पूर्व सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह जिक्र की थी, खास करके जेएमएम और कांग्रेस, कि जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए एक नियमावली बना करके पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान दिया जाएगा और वो भी 3 महीने के अंदर। सरकार बन गई, वाकई में सरकार जिस प्रकार से अपनी बातों को रखे, तमाम पारा शिक्षकों ने सहयोग किया और पारा शिक्षक के सहयोग से सरकार का गठन भी हुआ। लेकिन अब जब 3 माह से अधिक समय हो गया, अब पारा शिक्षक संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से उनके वादा को याद दिला रहे हैं कि भाई आपने वो जो वादा किया था उन्हें पूरा किया जाए। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से टाल मटोल की रवैया अपनाई जा रही है, इसलिए फिर से पूरे राज्य के पारा शिक्षकों में एक आक्रोश पनप रहा है कि 15 नवंबर से सड़कों पर वह आक्रोश देखने को मिलेगा। यदि 15 नवंबर तक यह सरकार पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देती है तब तो ठीक है, नहीं तो 15 नवंबर से राज्य के पारा शिक्षक आंदोलन के लिए विवश होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार को जाएगी। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा के पदाधिकारियों ने गिरिडीह के सांसद के नाम उनके प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सांसद से निवेदन किया गया कि LIC के IPO संबंधी बिल को संसद में विरोध करे। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 5 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। अभी इसकी कुल परिसंपत्ति 34 लाख करोड़ है। LIC ने 40 करोड़ लोगों का जीवन बीमा किया है। LIC ने देश के आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास में 42 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। LIC की जब स्थापना हुई थी उस समय सरकार का उद्देश्य था कि जनता के छोटे छोटे बजट के पैसे से जनता और देश का विकास करना है, जिसमें LIC ने अहम भूमिका निभाई। LIC ने कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थाओं में निवेश किया है। ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्थान का IPO के माध्यम से निजीकरण करना देश और बीमा धारकों के हित में नहीं है, इसलिए संघ ने सांसद से आग्रह किया है कि जब भी संसद में LIC के IPO संबंधी बिल लाया जाए तो पार्टी स्तर से ऊपर उठकर देश हित में बिल का विरोध करें। LIC के सभी माननीय गण और वरीय पदाधिकारी द्वारा जो आवेदन मिला है और उनकी जो मांग है, इनके आवेदन और इनके मांग को माननीय सांसद जी के पास जल्द से जल्द भेज देंगे और हम चाहेंगे इनकी मांग को माननीय सांसद पूरा करें। इस संबंध में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के मंडल संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने 600 से अधिक लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ज्ञापन देकर आग्रह किया है कि LIC का IPO संबंधी बिल का विरोध करे। शिष्टमंडल में मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश, शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, शाखा संयुक्त सचिव विजय कुमार और अनुराग मुर्मू शामिल थे। आता है तो पार्टी लेवल से ऊपर उठ करके इस बिल का विरोध करें और देश हित के लिए एक बहुत जरूरी काम है ताकि ये संस्था जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बना रहे
और देश के विकास में अपना अहम योगदान देता रहे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 पलाडी के लोगों ने पानी कनेक्शन व मीटर लगाने के नाम पर ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने नगर निगम के उप महापौर को आवेदन दिया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 34 पराटी के रहने वाले कुछ लोगों ने पानी कनेक्शन व मीटर लगाने के नाम पर ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए नगर निगम के उप महापौर को एक लिखित आवेदन दिया। वार्ड नंबर 34 के पराटी के रहने वाली जगनी देवी, मसेमा चिंता, भीमदास, शंकर दास, विनोद पासवान ने आवेदन में बताया कि वार्ड में दिए जा रहे पानी कनेक्शन का मीटर लगाने के एवज में ठेकेदार के द्वारा 600 रुपए वसूला जाता है और इसके बदले ना कोई रसीद दिया गया है। वहीं रसीद या पैसा वापस मांगने पर ठेकेदार के द्वारा धमकी दिया जाता है। इसी के तहत आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हम लोग गरीब आदमी है, नल लिए थे तो पैसा खर्चा करके 600 रुपया ले लेते नया कनेक्शन, आधार कार्ड मुबारक। पैसा ले लिए हम लोग से, बोल पैसा नहीं दीजिएगा तो कलेक्शन नहीं देंगे। भाई बोलो मुबारक, बोल पैसा दो पहले, उसके बाद कलेक्शन करेंगे। लॉकडाउन में हम लोग को पैसा का दिक्कत है, हम लोग पास पैसा का भी प्रॉब्लम है। हम लोग मजबूरी में हम लोग ले लिए, हम लोग को यहाँ गिरिडीह में पानी का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग को दबाव डाल के हम लोग को लिया गया। बोला आप लोग पैसा दीजिएगा तो अलग कलेक्शन मिलेगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग पास पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग मजबूरी से खोज के हम लोग पैसा का 600 रुपया दे कर हम लोग लिए। और कला हमारा ना हल पहले ना ली से कलिए गाड़ी भी से खतर, और अभी आप लिए खोज लिए तो कल केवल 600 टका लागत, तब कल दे देव और मीटर भी दे देवे। तो हम ना जान सकलिए मीटर कहे माँ से देव करे ना देव करे, तब सुने कि ना 300 टका लागत महीना कहाँ दिए सके। हम सभी ग्रामीण को कहना है कि नगर निगम द्वारा जो पानी का जो कनेक्शन दिया जा रहा है और मीटर लग रहा है, उसमें ठेकेदार के द्वारा 600 रुपया करके आवेदक से लिया जा रहा है और ना ही रसीद दे रहा है, ना ही कुछ उसमें मांगने पर बोलता है कि 2-4 दिन के बाद हम रसीद देंगे, और ना ही पैसा वापस करना चाहता है। तो मेरा कहना है ये कि अगर नगर निगम जैसे मीटर लगा रहे हैं उनका पैसा देंगे, हम लोग मान लीजिए नाली गली वगैरह का जो साफ़ सफाई उसका पैसा देंगे, तो हम लोग सब चीज़ का नगर निगम को पैसा देंगे, लेकिन हम लोग का जाति आवासीय बनता है ना ही प्रधानमंत्री आवास बनता है। और जब हम लोग पूछते हैं तो इस पर माने हम लोग का जवाब मिलता है कि सीसीएल ज़मीन पर नहीं होगा, तो सीसीएल ज़मीन पर आवास और जाति आवासीय वगैरह नहीं बनेगा तो फिर हम लोग से टैक्स मतलब क्यों देंगे। हम लोग 34 नंबर वार्ड में रहते हैं और पहले ये पराडी पंचायत था, नगर निगम में आ गया है। तो जो पानी का कनेक्शन हम लोग झगरी टंकी से दिया गया है उसमें अब मीटर लगाया जा रहा है और 600 रुपये लिया जा रहा है। अब पता नहीं मीटर का लिया जा रहा है कि कनेक्शन का लिया जा रहा है। और यहाँ तो लॉकडाउन का मारा गरीब लोग तराह तराह कर रहा है, खाने का तो सब कुछ मिल नहीं रहा है, सब भूखे इधर से उधर हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी 600 रुपये दबा दूसर नगर निगम से ये अबर आया है, नाली का पैसा तो कचरा फेंकने का पैसा, साफ करने का पैसा। अब हम लोग गरीब इतना पैसा दे सकेंगे, और जब लागू हो जाएगा सरकार के नियम के आधार तो देना पड़ेगा, लेकिन हमको सरकार का भी लाभ तो मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को जातीय आवासीय बनना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए, अभी किसी का कॉलोनी नहीं बन रहा है, नगर निगम से किसी तरह का फायदा नहीं है और न ही गरीब को देख रेख हो रहा है। बस वही राशन में 5 किलो चावल खाइए, गरीबी हटाइए, ऐसे में गरीबी हटने न जा रहा है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। कल 5 नंबर हरिजन टोला से अशोक कुमार नाम का लड़का मेरे पास फोन किया था, बोला कि मीटर लगाने के लिए आया और पैसा मांग रहा है। हम बोले बाबू अगवाल तो मीटर 30 नंबर तक लगेगा और कहीं भी मीटर लग रहा है उसका पैसा नहीं लगता है, और जो भी लगा रहा है गलत लगा रहा है, मीटर नहीं लगवाना है ना ही कनेक्शन करवाना है, किसी को पैसा नहीं देना है। तो इसमें आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा किया जाएगा। अव्वल तो 30 नंबर तक कनेक्शन करने का है या मीटर लगाने का है, जो 30 नंबर से बाहर जाकर के काम कर रहा है जो सरासर गलत है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।